बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको वो अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो नुस्खा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो दांतों के मसाइल का शिकार हैं। आज के ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपके दांतों के जितने मसाइल हैं वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। बतौर मंजन के आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। जिनके दांत मैले कुचैले रहते हों तो ये दांतों को दूध की तरह सफ़ेद करता है। जिन लोगों के दांतों में दर्द रहता हो, दाढ़ के अंदर दर्द रहता हो, उसमें यह नुस्खा मुफीद है। अगर दांतों से बदबू आती रहती हो उसको ज़ायल करता है। तो महंगे महंगे टूथपेस्ट से सस्ता मुअसर और पुरअसर मंजन है, तो ज़रूर आपने इसको बनाकर इस्तेमाल करना है। जो लोग इन मसाइल से परेशान हों, अल्लाह का फ़ज़ल व करम हो, तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इसको लगातार इस्तेमाल करने के बाद आप इन मसाइल से मुकम्मल तौर पर अपनी जान छुड़ा लेंगे। बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 8-9 साल के बच्चे भी, उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं तरतीब के साथ, बतौर मंजन के उनको इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ज़रूर भी ज़रूर फ़ायदा देंगे। नुस्खा बताने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रवान बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस पर वॉइस मैसेज कर दें या रिटर्न के अंदर लिखकर मैसेज कर दें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, नुस्खा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार होंगी उसको सुन भी लीजिए और स्क्रीन पर शो हो रहा है इसको लिख भी लीजिए। नंबर एक, चाक 3 तोला। नंबर दो, फटकड़ी बिरिया की हुई 3 तोला। नंबर 3, काफूर 9 माशा। नंबर 4, इलायची दाना 3 माशा। सबको बारीक पीस कर कप्पड़ छान करके बतौर मंजन के इस्तेमाल करें, यानी बतौर मंजन के आपने सुबह रात को 2 टाइम कर लें तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ तो दांत मैले कुचैले रहते हों, दांतों में दर्द रहता हो, बदबू आती हो, इन सारे के सारे मसाइल से आपकी मुकम्मल तौर पर जान छूट जाएगी। सारी की सारी चीज़ें आपको बासानी पिनसार की दुकान से मिल जाएंगी, कोई इसको इतना बनाना मुश्किल नहीं है। बनाएं, इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं के अंदर खुसूस याद रखिएगा। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।